हेलो स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स, दिस इज अ न्यू चैप्टर, न्यू वीडियो फॉर यू फ्रॉम द पोर्शन लेटर राइटिंग. यू सी हियर, स्टडी इन द वीडियो आई हैड एक्सप्लेन्ड यू अबाउट द प्रोसेस ऑफ लेटर राइटिंग, द स्टेप्स, हाउ यू हैव टू राइट अ लेटर to the editor of a local daily. Here this is a question number 2 from your exercise. The question is, write a letter to the editor of a local daily about the rising cases of the eve teasing in your locality. आपके मोहल्ले में जो है शाम के समय का छेड़छाड़ का मामला बढ़ गया है, बढ़ता ही जा रहा है, उसके बारे में ही एडिटर को, जो डेली राइटिंग न्यूज़पेपर है, उस एडिटर को लेटर लिखना है कि इस चीज़ को आप पब्लिश करें जिससे रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटीज़ तक ये बात पहुंच सके. देखिए, अभी इसमें एड्रेस शो किया गया है, 5 कोड़ीराम रोड, गोला बाजार, गोरखपुर. ये एड्रेस उसका है जो लेटर लिख रहा है, ठीक है ना, आपका एड्रेस रहेगा. और फिर उसके बाद एक लाइन को नीचे आप मिस करेंगे, एक लाइन नीचे मिस करेंगे, और फिर उसके नीचे आप डेट अपना डालेंगे. डेट आपका जो है, उस डेट को आप लिखेंगे, आज का डेट 16 अक्टूबर 2020. फिर डेट लिखने के बाद फिर एक लाइन आपने यहाँ मिस किया, उस लाइन को मिस करने के बाद, और फिर जो है आप लेटर लिखना स्टार्ट करेंगे. ये मिसिंग लाइन सब रहेगा आपका. अब उसके बाद एडिटर को आप लिखेंगे, एड्रेस, द एडिटर, द हिंदुस्तान टाइम्स, गोलघर, गोरखपुर. ये न्यूज़पेपर वाले का, एडिटर का एड्रेस हो गया, ठीक है ना. फिर आप यहाँ पे एक लाइन आप मिस करेंगे, और फिर आप लिखेंगे सैल्यूटेशन. आपका सैल्यूटेशन होगा सर, ठीक है, सर, मैडम या मैम, आप सैल्यूटेशन के रूप में लिखेंगे. सर आपने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है. इसके बाद फिर आप यहाँ पे एक लाइन फिर आप मिस करेंगे, और फिर इसको मिस करने के बाद अब यहाँ से जो है लेटर को लिखना स्टार्ट करेंगे. देखिए ध्यान से, ईव टीजिंग इन माय लोकेलिटी इज राइजिंग वेरी रैपिडली. हमारे मोहल्ले में सायंकाल के समय का छेड़छाड़ की घटना जो है बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है. द न्यू जनरेशंस यूथ आर वॉन्डरिंग इन द स्ट्रीट्स एवरी टाइम एज दे आर गेटिंग चांस एट साइलेंट प्लेसेस दे स्टार्ट टू टीच द वुमेन एंड गर्ल्स. ईव टीजिंग की मामला हमारे एरिया में इस कदर बढ़ती जा रही है कि जो न्यू जनरेशन के यूथ हैं, ये हर समय गलियों में घूमते रह रहे हैं, और जैसे उन्हें साइलेंट प्लेस पे मौका मिल रहा है, वैसे ही हमारे मोहल्ले की औरतों के साथ, लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करना वे स्टार्ट कर दे रहे हैं. ओके, वे स्टार्ट कर दे रहे हैं. दे स्टार्ट टू टीच द वुमेन एंड गर्ल्स. देर इज एन एनवायरमेंट ऑफ फ्राइड डेवलपिंग इन द लोकेलिटी. और इस तरह से लोकेलिटी में जो है एक एनवायरमेंट, एक भय का एक माहौल, एनवायरमेंट जो है लोकेलिटी में डेवलप किया जा रहा है औरतों के बीच, लड़कियों के बीच. वुमेन गर्ल्स आर सो अफ्रेड दैट दे आर नॉट गोइंग आउट of the house also for their requirements. इसका प्रभाव इस कदर है कि औरतें और लड़कियां जो हैं इतना डर चुकी हैं कि वे घर से बाहर नहीं जा रहे हैं, वे अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए घर से बाहर नहीं जा रहे हैं, ठीक है. और गर्ल्स हैव ऑल्सो लेफ्ट देयर इवनिंग क्लासेस. और लड़कियां तो
अपनी इवनिंग क्लासेस को भी छोड़ चुकी हैं। शाम की जो उनका ट्यूशन की क्लास है, ट्यूशन है, उसको भी वे छोड़ चुके हैं। द कंसर्न्ड अथॉरिटी मस्ट मूव टू द पर्टिकुलर एरिया सो दैट अ बेटर एनवायरनमेंट कुड बी मेंटेन। जितने भी जिम्मेदार लोग हैं, संबंधित लोग हैं, उनको इस पर्टिकुलर एरिया में बेटर एनवायरनमेंट करने के लिए मूव करना चाहिए, घूमना चाहिए। परहैप्स अ फाइनल स्टेप फॉर दिस मैटर विल हेल्प टू रिड्यूस दिस इशू। शायद एक अच्छा स्टेप ले लेने से इस मामले को बढ़ने से घटाया जा सके, इस मामले को कम किया जा सके। इस तरह से लिख करके आप इस लेटर को कंक्लूज कर देंगे और लास्ट में फिर आप लाइन चेंज करेंगे और फिर आप लिखेंगे लास्ट में थैंकिंग यू। थैंकिंग यू लिखने के बाद और फिर वन लाइन ड्रॉप कर नीचे आएंगे और आप या तो योर्स ट्रूअली या फिर योर्स फेथफुली, योर्स ट्रूअली या योर्स फेथफुली लिखेंगे। और फिर ये जो यहाँ पे एक्स वाई जेड लिखा गया है, इस एक्स वाई जेड का मतलब यहाँ पे आप अपना नाम लिख देंगे, जो भी आपका नाम रहेगा आप यहाँ पे अपना नाम मेंशन कर देंगे। स्टूडेंट, ये रहा आपके लेटर का एक सैंपल जो हम ये सेकेंड है आपके लिए। इसको आपको लेटर को अच्छे से देखिए। ऐसे आपके एक्सरसाइज में और भी बहुत से एक्सरसाइज में क्वेश्चंस दिए हुए हैं। यू हैव टू आल्सो राइट द आंसर्स ऑफ दोज क्वेश्चंस बिकॉज यू नो दैट विदाउट एक्सरसाइज इट इज नॉट पॉसिबल टू कमांड योर सेल्फ टू राइट अ लेटर पर्टिकुलर टू एडिटर आर एनी अदर फील्ड्स। सो दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट यू फोकस योर सेल्फ, यू ऑल्सो do hard work at your home to take some exercises. Okay, now have a nice day to all of you. Goodbye everyone.